तो मैं पहुंच चुका हूं जहां पे देव भागवत हो रहा है, और यहां पे मैं कुछ चीज़ें अर्पित करूंगा अपने श्रद्धा के हिसाब से। सभी लोग, काफ़ी लोग यहां आए हुए हैं और महिला शक्ति भी काफ़ी आई हुई है। कोई बहन, कोई माँ, कोई दूर दूर से रिलेटिव में जितने भी लोग हैं, ये देख सकते हैं आप वीडियो में, काफ़ी लोग पहले आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं, ये देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे, और चारों तरफ का सौंदर्य भी आप देख सकते हैं। ये सुंदर सा नज़ारा भैंसगांव का। और यहाँ पे लोग चावल जो अर्पित करते हैं, ये यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। और यहाँ पे पंडित जी भी हैं, और सामने व्यास जी का मंडाण लगा हुआ है, और वहाँ से जो कथा प्रवचन किया जाता है। और ये है जहाँ पे पूजन हो रहा है, पूरा कैंपस मंदिर का। और लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से सभी कुछ चढ़ाते हुए, ये देखो छोटे छोटे बच्चे, सभी लोग आते हुए। और ये यहाँ पे बनाया हुआ है यज्ञ करने के लिए। और ये जो घर है, काफ़ी पुराने किस्म के और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और आज जो है मौसम काफ़ी सुंदर, आसमान में बिल्कुल हल्के से बादल है, लेकिन काफ़ी क्लियर चारों तरफ, ये देख सकते हैं चारों तरफ सुंदर सा नज़ारा भैंस गाँव का। और ये जो वाइट वाइट दिख रहा है, ये रास्ता है, और ऊपर से रोड भी है जहाँ पे लोगों ने गाड़ियाँ पार्क करी हुई हैं। और ये पीछे वाला हिस्सा गांव का, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। भैंस गाँव में केले भी काफ़ी मात्रा में उत्पादित तो किए जाते हैं। और यहाँ पे ये सरसों के फूल। और ये घर देखिए, गांव के घर, पुराने किस्म के घर किस तरह से होते हैं, ये देख सकते हैं आप वीडियो में। सुंदर से घर, काफ़ी अच्छा नज़ारा गांव का। ये घर, पुराने घर, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। अब यहाँ पे देवता का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में लेते हैं आपसे विदा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।